दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का फिल्मी गुड्डी में स्वागत है। आज हम आपके साथ में 60 और 70 के दशक की ग्रेटेस्ट बॉलीवुड फिल्में शेयर करने जा रहे हैं। इसका पहले भी एक पार्ट आपके साथ में शेयर किया गया है, जिसमें कि 30 मूवीज 30 फिल्में आपके साथ में शेयर की थी। आगे का वीडियो आज हम आपके लिए लेके आए हैं। तो 31 नंबर की फिल्म है एक फूल चार कांटे। ये 25 नवंबर 1960 को आई रोमांस से भरपूर बॉलीवुड ड्रामा फिल्म रही। इस फिल्म का डायरेक्शन किया भप्पी सोनी ने। इस फिल्म में सुनील दत्त, वहीदा रहमान, कृष्ण धवन लीड रोल में दिखाई दिए। इस फिल्म का बजट रखा गया 32 लाख और बॉक्स ऑफिस इंडिया पर कमाई हुई 32 लाख की और इस तरह से यह फिल्म एवरेज साबित हुई। 32 नंबर की फिल्म है डॉन। ये 12 मई सन 1978 को आई इंडियन एक्शन थ्रिलर फिल्म रही। इस फिल्म का डायरेक्शन किया चंदा बारोट ने। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, जीना दामान, प्राण, हेलेन लीड रोल में दिखाई दिए। डॉन फिल्म का बजट रखा गया 1 करोड़ और बॉक्स ऑफिस इंडिया पर कमाई हुई 3 करोड़ 60 लाख की। वहीं वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा 7 करोड़ 20 लाख का और ये फिल्म सुपर हिट साबित हुई। 33 नंबर की फिल्म है आरजू। ये 15 फरवरी सन 1965 को आई बॉलीवुड ड्रामा फिल्म रही। इस फिल्म का डायरेक्शन किया रामानंद सागर ने। इस फिल्म में राजेंद्र कुमार, साधना शिवदासानी, फिरोज खान, महमूद अली लीड रोल में दिखाई दिए। इस फिल्म का बजट रखा गया 90 लाख और बॉक्स ऑफिस इंडिया पर कमाई हुई 2 करोड़ की। वहीं वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा 4 करोड़ का और ये फिल्म सुपर हिट साबित हुई। 34 नंबर की फिल्म है जॉनी मेरा नाम। ये 11 नवंबर 1970 को आई बॉलीवुड एक्शन ड्रामा फिल्म रही। इस फिल्म में देवानंद, हेमा मालिनी, प्राण, जीवन, प्रेमनाथ लीड रोल में दिखाई दिए। इस फिल्म का बजट रखा गया 1 करोड़ 50 लाख। वहीं बॉक्स ऑफिस इंडिया पर कमाई हुई 4 करोड़ की और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा 8 करोड़ का और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। 36 नंबर की फिल्म है मेरा नाम जोकर। यह 18 दिसंबर सन 1970 को आई इंडियन ड्रामा फिल्म रही। इस फिल्म का डायरेक्शन किया राज कपूर ने। इस फिल्म में राज कपूर, ऋषि कपूर, सिमी ग्रेवाल, धर्मेंद्र, दारा सिंह, पद्मिनी, राजेंद्र कुमार लीड रोल में दिखाई दिए। इस फिल्म का बजट रखा गया 1 करोड़ और बॉक्स ऑफिस इंडिया पर कमाई हुई 4 करोड़ की। वहीं वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा 8 करोड़ का और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। 37 नंबर की फिल्म है लव इन टोक्यो। ये 21 अक्टूबर 1966 को आई रोमांस से भरपूर बॉलीवुड कॉमेडी ड्रामा फिल्म रही। इस फिल्म का डायरेक्शन किया प्रमोद चक्रवर्ती ने। इस फिल्म में जॉय मुखर्जी, आशा पारेख, महमूद, प्राण लीड रोल में दिखाई दिए। इस फिल्म का बजट रखा गया 90 लाख। बॉक्स ऑफिस इंडिया पर इस फिल्म की कमाई रही 1 करोड़ 75 लाख की और ये फिल्म हिट साबित हुई। 38 नंबर की फिल्म है मेरे महबूब। ये 1 जनवरी सन 1963 को आई रोमांस से भरपूर इंडियन ड्रामा फिल्म रही। इस फिल्म का डायरेक्शन किया हरनाम सिंह रावेल ने। इस फिल्म में साधना, राजेंद्र कुमार, अशोक कुमार और निम्मी लीड रोल में दिखाई दिए। फिल्म का बजट रखा गया 70 लाख। वहीं बॉक्स ऑफिस इंडिया पर कमाई हुई 2 करोड़ 90 लाख की और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा 5 करोड़ 80 लाख का और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। 39 नंबर की फिल्म है काला बाजार। ये 9 सितंबर 1960 को आई रोमांस से भरपूर बॉलीवुड ड्रामा फिल्म रही। इस फिल्म का डायरेक्शन किया विजय आनंद ने। इस फिल्म में देवानंद, वहीदा रहमान, नंदा, विजय आनंद लीड रोल में दिखाई दिए। इस फिल्म का बजट रखा गया 40 लाख और बॉक्स ऑफिस इंडिया पर कमाई हुई 70 लाख की। वहीं वर्ल्ड वाइड कमाई रही 1 करोड़ 40 लाख की और ये फिल्म सेमी हिट साबित हुई। 40 नंबर की फिल्म है दिल अपना और प्रीत पराई। यह 18 मई 1960 को आई रोमांस से भरपूर बॉलीवुड ड्रामा फिल्म रही। इस फिल्म का डायरेक्शन किया किशोर साहू ने। इस फिल्म में राजकुमार, मीना कुमारी, नादिरा लीड रोल में दिखाई दिए। फिल्म का बजट रखा गया 45 लाख और बॉक्स ऑफिस इंडिया पर कमाई रही 90 लाख की। वहीं वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा 1 करोड़ 80 लाख का और ये फिल्म हिट साबित हुई। 41 नंबर की फिल्म है गाइड। ये 6 दिसंबर 1965 को आई रोमांस से भरपूर बॉलीवुड ड्रामा फिल्म रही।
इस फिल्म का डायरेक्शन किया देवानंद ने। इस फिल्म में देवानंद वहीदा रहमान लीड रोल में दिखाई दिए। इस फिल्म का बजट रखा गया 85 लाख और बॉक्स ऑफिस इंडिया पर कमाई हुई 1,75,00,000 की। वहीं वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा 3,50,00,000 का और ये फिल्म हिट साबित हुई। 42 नंबर की फिल्म है वो कौन थी। ये फिल्म 7 फरवरी 1964 को आई। बॉलीवुड साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म रही। इस फिल्म का डायरेक्शन किया राज घोसला ने। इस फिल्म में साधना शिवदासानी, मनोज कुमार, हेलेन, प्रेम चोपड़ा लीड रोल में दिखाई दिए। इस फिल्म का बजट रखा गया 45 लाख और बॉक्स ऑफिस इंडिया पर कमाई हुई 90 लाख की और ये फिल्म हिट साबित हुई। 43 नंबर की फिल्म है मेरे हम सफर। ये 14 अक्टूबर 1970 को आने वाली रोमांस से भरपूर बॉलीवुड इमोशनल ड्रामा फिल्म रही। इस फिल्म का डायरेक्शन किया दुलाल गुहा ने। इस फिल्म में जितेंद्र, शर्मिला टैगोर, जीवन और बलराज साहनी लीड रोल में दिखाई दिए। ये फिल्म फ्लॉप रही थी। 44 नंबर की फिल्म है घूंघट। ये 1960 को आने वाली बॉलीवुड ड्रामा फिल्म रही। इस फिल्म का डायरेक्शन किया रामानंद सागर ने। इस फिल्म में भारत सरकार, आशा पारेख, बीना रॉय, प्रदीप कुमार और मुमताज लीड रोल में दिखाई दिए। फिल्म का बजट रखा गया 40 लाख और बॉक्स ऑफिस इंडिया पर कमाई हुई 80 लाख की और ये फिल्म हिट साबित हुई। 45 नंबर की फिल्म है कोशिश। ये 1 दिसंबर 1972 को आने वाली बॉलीवुड ड्रामा फिल्म रही। इस फिल्म का डायरेक्शन किया गुलजार ने। इस फिल्म में संजीव कुमार, जया बहादुरी बच्चन, ओम शिवपुरी, सीमा देव असरानी, मल्टी स्टारर ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। 46 नंबर की फिल्म है आंखें। ये 1 जनवरी 1968 को आने वाली इंडियन थ्रिलर फिल्म रही। इस फिल्म का डायरेक्शन किया रामानंद सागर ने। इस फिल्म में माला सिन्हा, महमूद और कुमकुम लीड रोल में दिखाई दिए। फिल्म का बजट रखा गया 80 लाख और बॉक्स ऑफिस इंडिया पर कमाई हुई 3,20,00,000 की। वहीं वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा 6,50,00,000 का और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। 47 नंबर की फिल्म है कटी पतंग। ये 29 जनवरी 1971 को आने वाली म्यूजिकल फैमिली ड्रामा फिल्म रही। इस फिल्म का डायरेक्शन किया शक्ति सामंता ने। इस फिल्म में राजेश खन्ना, आशा पारेख, प्रेम चोपड़ा लीड रोल में दिखाई दिए। इस फिल्म का बजट रखा गया 95 लाख और बॉक्स ऑफिस इंडिया पर कमाई हुई 1,90,00,000 की। वहीं वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा 3,80,00,000 का और ये फिल्म हिट साबित हुई। 48 नंबर की फिल्म है जंजीर। ये 11 मई 1973 को आने वाली इंडियन एक्शन ड्रामा फिल्म रही। इस फिल्म का डायरेक्शन किया प्रकाश मेहरा ने। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, जया बहादुरी, प्राण लीड रोल में दिखाई दिए। जंजीर फिल्म का बजट रखा गया 1 करोड़ और बॉक्स ऑफिस इंडिया पर कमाई हुई 3 करोड़ की। वहीं वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा 6 करोड़ का और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। 49 नंबर की फिल्म है परख। ये 5 अगस्त 1960 को आने वाली बॉलीवुड ड्रामा फिल्म रही। इस फिल्म का डायरेक्शन किया विमल रॉय ने। इस फिल्म में साधना, बसंत चौधरी, मोतीलाल, दुर्गा खोटे लीड रोल में दिखाई दिए। इस फिल्म का बजट रखा गया 27 लाख और बॉक्स ऑफिस इंडिया पर कमाई हुई 50 लाख की। वहीं वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा 1 करोड़ का और दोस्तों ये फिल्म सेमी हिट साबित हुई। 250वें नंबर की फिल्म का नाम है त्रिशूल। ये 5 मई सन 1978 को आने वाली बॉलीवुड एक्शन रिवेंज ड्रामा फिल्म रही। इस फिल्म का डायरेक्शन किया यश चोपड़ा ने। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, संजीव कुमार, शशि कपूर, राखी गुलजार, हेमा मालिनी, पूनम ढिल्लो और वहीदा रहमान मल्टी स्टारर। फिल्म का बजट रखा गया 2,50,00,000। वहीं बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 5,50,00,000 की कमाई करने के साथ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा 9,20,00,000 का और ये फिल्म सुपर हिट साबित हुई। 51 नंबर की फिल्म है दो रास्ते। ये 1969 को आई बॉलीवुड ड्रामा फिल्म रही। इस फिल्म का डायरेक्शन किया राज घोसला ने। इस फिल्म में राजेश खन्ना, मुमताज और प्रेम चोपड़ा लीड रोल में दिखाई दिए। इस फिल्म का बजट रखा गया 1,30,00,000 और बॉक्स ऑफिस इंडिया पर कमाई हुई 3,25,00,000 की। वहीं वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा 6,50,00,000 का और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। 52 नंबर की फिल्म है पाकीज़ा। ये 4 फरवरी 1972 को आई बॉलीवुड ड्रामा फिल्म रही। इस फिल्म का डायरेक्शन किया कमाल अबरोही ने।
इस फिल्म में मीना कुमारी, राजकुमार और अशोक कुमार लीड रोल में दिखाई दिए। पाकिजा फिल्म का बजट रखा गया 1,30,00,000 और बॉक्स ऑफिस इंडिया पर कमाई हुई 3 करोड़ की। वहीं वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा 6 करोड़ का और ये फिल्म सुपर हिट साबित हुई। 53 नंबर की फिल्म है हरे रामा हरे कृष्णा। ये 14 जनवरी 1971 को आई म्यूजिकल ड्रामा फिल्म रही। इस फिल्म का डायरेक्शन किया देवानंद ने। इस फिल्म में जीना दमान, देवानंद, मुमताज लीड रोल में दिखाई दिए। फिल्म का बजट रखा गया 85,00,000 और बॉक्स ऑफिस इंडिया पर कमाई हुई 1,70,00,000 की। वहीं वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा 3,60,00,000 का और ये फिल्म हिट साबित हुई। 54 नंबर की फिल्म है गंगा जमुना। ये 8 दिसंबर 1961 को आई इंडियन क्रिमिनल ड्रामा फिल्म रही। इस फिल्म का डायरेक्शन किया नितिन बोस ने। इस फिल्म में दिलीप कुमार, लीला चिटनिस, वैजंती माला और हेलेन नासिर खान लीड रोल में दिखाई दिए। इस फिल्म का बजट रखा गया 70,00,000 और बॉक्स ऑफिस इंडिया पर कमाई हुई 3,40,00,000 की। वहीं वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा 10,80,00,000 का और ये फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई। 55 नंबर की फिल्म है छलिया। ये 16 सितंबर 1960 को आने वाली रोमांस से भरपूर बॉलीवुड ड्रामा फिल्म रही। इस फिल्म का डायरेक्शन किया मनमोहन देसाई ने। इस फिल्म में राज कपूर, नूतन, प्राण और रहमान लीड रोल में दिखाई दिए। छलिया फिल्म का बजट रखा गया 45,00,000 और बॉक्स ऑफिस इंडिया पर कमाई हुई 65,00,000 की। वहीं वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा 1,30,00,000 का और ये फिल्म अबव एवरेज साबित हुई। 56 नंबर की फिल्म है मुकद्दर का सिकंदर। ये 27 अक्टूबर 1978 को आने वाली इंडियन ड्रामा फिल्म रही। इस फिल्म का डायरेक्शन किया प्रकाश मेहरा ने। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, राखी, रेखा, कादर खान, निरुपमा रॉय, रणजीत लीड रोल में दिखाई दिए। इस फिल्म का बजट रखा गया 1,30,00,000 और बॉक्स ऑफिस इंडिया पर कमाई हुई 8,40,00,000। वहीं वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा 22 करोड़ का और ये फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई। 57 नंबर की फिल्म है राम और श्याम। ये फिल्म 7 अप्रैल 1967 को आई बॉलीवुड कॉमेडी ड्रामा फिल्म रही। इस फिल्म का डायरेक्शन किया तापसी चाणक्य ने। इस फिल्म में दिलीप कुमार, वहीद रहमान, नजीर हुसैन, प्राण लीड रोल में दिखाई दिए। इस फिल्म का बजट रखा गया 1,20,00,000 और बॉक्स ऑफिस इंडिया पर कमाई हुई 2,75,00,000 की। वहीं वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा 4,93,00,000 का और ये फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई। 58 नंबर की फिल्म है सीता और गीता। ये 24 नवंबर 1972 को आने वाली इंडियन कॉमेडी ड्रामा फिल्म रही। इस फिल्म का डायरेक्शन किया रमेश सिप्पी ने। इस फिल्म में हेमा मालिनी, धर्मेंद्र, संजीव कुमार लीड रोल में दिखाई दिए। इस फिल्म का बजट रखा गया 1,20,00,000 और बॉक्स ऑफिस इंडिया पर कमाई हुई 3,20,00,000 की। वहीं वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा 16,40,00,000 का और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। 59 नंबर की फिल्म है यादों की बारात। ये 2 नवंबर 1973 को आने वाली बॉलीवुड मसाला फिल्म रही। इस फिल्म का डायरेक्शन किया नासिर हुसैन ने। इस फिल्म में धर्मेंद्र, जीना तमान लीड रोल में दिखाई दिए। यादों की बारात फिल्म का बजट रखा गया 1,40,00,000 और बॉक्स ऑफिस पर कमाई हुई 2,75,00,000 की। वहीं वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा 5,50,00,000 का और ये फिल्म हिट साबित हुई। 60 नंबर की फिल्म है हमराज। ये 16 अक्टूबर 1967 को आने वाली बॉलीवुड सस्पेंस थ्रिलर फिल्म रही। इस फिल्म का डायरेक्शन किया बलदेव राज चोपड़ा ने। इस फिल्म में राजकुमार, सुनील दत्त, मुमताज, विमी लीड रोल में दिखाई दिए। इस फिल्म का बजट रखा गया 1 करोड़, बॉक्स ऑफिस इंडिया पर कमाई रही 2,25,00,000 की और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा 4,50,00,000 का और ये फिल्म सुपर हिट साबित हुई। दोस्तों, अभी तक हमने 60 और 70 के दशक की बेहतरीन 60 फिल्में जानी हैं। आगे की फिल्में हम अगले वीडियो में देखेंगे और इस वीडियो में जो भी आपकी फेवरेट फिल्म है उनका नाम कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करने के बाद फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं यहाँ पर ऐसे ही मनोरंजक वीडियोज़ लेके आती रहती हूँ।